समय और जगह भले ही बदल जाएं, लेकिन इतिहास कभी ना कभी अपने आप को दोहराता है। करीब 5 महीने के वक्त के बाद एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में वही सब देखने को मिलेगा जो मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान दिखाई दिया। दो अलग अलग राजनीतिक दलों के युवा नेताओं की दोस्ती एक बार फिर से मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और देश की राजधानी दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है। आप सब जानते हैं, करीब 5 महीने पहले भाजपा के सारथी बने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर सियासत के गलियारों में खूब चर्चे हो रहे थे। बीते साल 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पहुंचे सचिन पायलट ने चुनावी जनसभा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पहुंचे सचिन पायलट ने उन्हीं के खिलाफ अपनी पार्टी को लेकर मोर्चा संभाला और अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चुनाव राजस्थान में है और पायलट की पार्टी के खिलाफ सचिन पायलट के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान पहुंचने जा रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई, ऐसे में कमलनाथ के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए उपचुनाव महत्वपूर्ण थे। अब इन सब के बीच राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सहाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा करने इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच राजस्थान की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि पायलट कांग्रेस के वफादार सिपाही बने हैं, लेकिन सिंधिया और पायलट की यारी पहले के जैसी आज भी मजबूत है। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजस्थान पहुंचने पर जनता को सचिन पायलट और सिंधिया का याराना याद आ रहा है। आपको बता दें, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने अब एक कमान से 2 सियासी तीर चलाए हैं, यानी कांग्रेस को परास्त करने के लिए उन्हीं की पार्टी में एक समय स्टार प्रचारक रहे सिंधिया को इस बार बीजेपी ने प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज यानी रविवार को सहाड़ा के गंगापुर में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस की गहलोत सरकार 3 उपचुनाव वाली सीटों पर कब्जा करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं और अब जिस सीट पर पहुंच रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने, वहां लोगों को सिंधिया और पायलट का याराना याद आ रहा है। करीब 5.5 महीने पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया के खिलाफ जिस तरह पायलट ने एंट्री की, अब राजस्थान की राजनीति में पायलट के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया एंट्री करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेहद दिलचस्प होने वाला है ये देखना कि जिस तरह सचिन पायलट ने बिना सिंधिया का नाम लिए बीजेपी पर वार किया था मध्य प्रदेश में, क्या इस बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया वैसा ही करते हैं? बिना पायलट का नाम लिए क्या कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं, या थोड़ी सी दोस्ती निभाते हुए चंद शब्द बोलकर वहां से निकल जाते हैं? SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।